अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आमिर मंजूर आज आपकी खदमत में और एक वीडियो लेकर हाजिर। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 10 की ट्रायंगल्स के थॉम 6.6। बेटा चलिए हम थॉम 6.6 को आज प्रूव करने जा रहे हैं। थॉम 6.6 को प्रूव करने से पहले आप लोग एक बार फिर स्टेटमेंट जानिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। चलिए बेटा देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट आपको कह रहा है, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल। पोपेंड ये कह रहा है, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, कहां से ड्रॉ हो रहा है, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल के वर्टेक्स से, एक ट्राइंगल के राइट एंगल के वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। कहां ड्रॉ हो रहा है? टू द हाइपोटन्यूज, इस उसी ट्रायंगल के हाइपोटन्यूज पे। यहां मानिए ये ट्रायंगल है, ये मानिए आपका राइट एंगल है बी, ये ट्रायंगल ए बी सी है जो राइट एंगल है बी है। तो इस राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है इस ट्रायंगल के हाइपोटन्यूज ए सी पे। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा? उसके बाद जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये कह रहा है कि जो ट्रायंगल्स है कहां से, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर। देखिए बेटा, जब परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, यहां से एक ट्रायंगल बन रही है, इस परपेंडिकुलर में इस ट्रायंगल को डिवाइड किया दो हिस्सों में, एक वाली ट्रायंगल बन गई एडीबी, दूसरी वाली ट्रायंगल बन गई बीडीसी। ये वाली ट्रायंगल वन, ये वाली ट्रायंगल टू, ये बेटा दो ट्रायंगल्स है ठीक। तो उसके बाद हम लोगों को प्रूव क्या करना है, आप देखिए, हमें दिखाना है कि इस परपेंडिकुलर के जो दोनों साइड जो ट्रायंगल्स है वो क्या है, वो आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। ये कह रहा है कि जो दोनों साइड से परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है टू द होल ट्रायंगल एंड ईच अदर, और ये एक दूसरे को भी सिमिलर होंगे। तो इसका मतलब है बेटा, हमें दिखाना है कि ए डी बी जो ट्रायंगल है ये सिमिलर होगी जो ट्रायंगल ए बी सी, ये छोटी वाली वन वाली ट्रायंगल ए बी सी बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर होगा, हो गया वन। दूसरा हमें दिखाना है बी डी सी, सेकंड वाली ट्रायंगल पूरे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, हो गया दो। तीसरा हमें दिखाना है कि वन ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के सिमिलर है। तो चलिए बेटा, सबसे पहला स्टेप जो हमारा है दैट इज गिवन। चलिए मेरा जिगर, गिवन स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे? गिवन क्या है आपके पास? हमारे पास गिवन है कि एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, इन ट्रायंगल हम लिखेंगे, ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट, कहां पे राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड एट बी एग्जैक्टली। और क्या है बेटा हमारे पास, एंड परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर, बी डी, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, किस पे परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम बी इंटरसेक्टिंग, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए सी को, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम बी इंटरसेक्टिंग ए सी, इंटरसेक्ट कर रहा है वो ए सी को, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर डी पे, इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग ए सी एट डी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए, दैट इज बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये हमारे पास बेटा गिवन है। तो उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे हम लोगों को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। चले बेटे देखो, हम लोगों को प्रूव क्या करना है, हमें करना है प्रूव कि छोटी वाली ट्रायंगल वन बड़ी वाली ट्रायंगल के समान है। छोटी वाली क्या है, एडीबी। हमें करना है प्रूव ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, बड़ी वाली ट्रायंगल को। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, बीडीसी इज सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, और करना है ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल एबीसी। और तीसरा हम लोगों को क्या प्रूव करना है, एंड ये छोटी वाली ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, दैट इज ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। ये बेटा हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए अब हम प्रूव करेंगे कैसे हम ये ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के सिमिलर दिखाएंगे। चलिए बेटा, मैं ये आपका स्टेटमेंट जो यहां पे है ये मैं सारा रब करता हूं। चलिए बेटा देखिए, यहां पे स्टेटमेंट को रब करने के लिए यहां पे देखिए, सबसे पहले हमें प्रूव करना है एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। तो हम लिखेंगे, इसका मतलब है हम लिखेंगे प्रूफ में बेटा,
प्रूफ में हम सबसे पहले कौन कौन ट्रायंगल लेंगे, ए डी बी और ए बी सी, क्योंकि यही दो हम लोगों को क्या दिखानी है, सिमिलर। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल या फ्रॉम ट्रायंगल, कहां कहां से, ए डी बी, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी। जरा बेटा देखो ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी में, आप देखो दोनों ट्रायंगल्स का, इसका एंगल ए, इसका एंगल ए के बराबर है, तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स एंगल ए। क्यों एंगल ए, एंगल ए के बराबर है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। ठीक है बेटा, क्या है, ये कॉमन है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। उसके बाद देखिए बेटा ए डी बी, इस वाली ट्रायंगल का, इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल का, ये ए डी बी एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहां पे एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल किसके बराबर होगा, ये ए बी सी एंगल के बराबर। क्यों, क्योंकि ये यहां पे कितना एंगल है, 90 डिग्री, दैट इज एंगल ए बी सी। क्यों, बिकॉज ईच 90 डिग्री। क्यों है दोनों बेटा, क्योंकि इस वाली ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी यहां पे जिस वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वहां पे भी एंगल कितना था, 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए बेटा देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर था, ए एंगल के बराबर है। उसके बाद हमने दिखाया कि जो एंगल डी एंगल बी के बराबर है, हमने कहा हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या लिख सकते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, ट्रायंगल एबीसी जो ट्रायंगल एडीबी जो है वो सिमिलर होगी जो ट्रायंगल एबीसी, दैट इज ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो इसका नाम आप बेटे रखेंगे इक्वेशन वन। ठीक, तो हो गया एक वाला प्रूफ। उसके बाद क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब ये वाली छोटी ट्रायंगल दिखानी है सिमिलर टू बड़ी वाली ट्रायंगल। चलिए देखिए जिगर, ये इजी है, थोड़ा सा आपको खाली फोकस करना है, ये बिल्कुल इजी है। तो चलिए अब हम लेंगे ऑल्सो इन ट्रायंगल या फ्रॉम बी डी सी, फ्रॉम ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, एबीसी, बड़ी वाली ट्रायंगल एबीसी। बी डी सी और एबीसी में क्या है बेटा, यहां पे आप देखेंगे बी एंगल बी डी सी आ गया एंगल सी। उसके बाद जब हम लेंगे एबीसी, इसका मतलब है सी सी दोनों को कॉमन है, दैट इज एंगल सी दैट इज सी। आप देखिए बी ए तो सेम नहीं है, डी बी सेम नहीं है, सी सी इसका मतलब है एंगल सी इक्वल्स एंगल सी। क्यों एंगल सी सी के बराबर है, बिकॉज ये इनका कौन सा एंगल है, ये इनका कॉमन एंगल है। ठीक है, तो और देखिए बी डी सी ये वाला एंगल ये कितना है, दैट इज 90 डिग्री, एंड एंगल बी डी सी ये किसके बराबर होगा, दैट इज ए बी सी। क्यों होगा ए बी सी के बराबर, क्योंकि ए बी सी यहां पे 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब है डी सी के बराबर होगा, एंड एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है बेटा, क्यों, बिकॉज ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए मैं ऊपर लिखता हूं, अब ईच 90 डिग्री यहां से। अब देखिए अब ईच 90 डिग्री हम लिख सकते हैं दियर फोर बाय एंगल एंगल, दियर फोर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या हम कह सकते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दो एंगल्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगे। हम कह सकते हैं ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, बीडीसी, बीडीसी इज ट्रायंग सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। तो बेटा इसका नाम आप रखेंगे इक्वेशन टू, इक्वेशन टू। तो चलिए देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हम लोग देखो, इक्वेशन टू ये है, इक्वेशन वन ये है, इक्वेशन टू है। हम लिखेंगे यहां पर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी हैव, क्या मिलेगा हमें इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से, हम लोग लिख सकते हैं यहां पे बेटा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से। इक्वेशन वन यहां पे ऑलरेडी लिख के है, दैट इज ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो चलिए बेटा ये हम रब करते हैं यहां से, ये हमें वन से मिला, एंड ये ए है बी
सी, ठीक है बेटा, इज सिमिलर टू, एंड दूसरा क्या है, एंड ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। इसका मतलब है जो परपेंडिक्युलर के दोनों साइड जो से राइट ट्रायंगल जो बन रही है, राइट, देखो हमने प्रूव किया कि एडीबी सिमिलर है इस बड़ी वाली ट्रायंगल को, दूसरा हमने प्रूव किया कि दूसरी वाली ट्रायंगल सिमिलर है तो बड़ी वाली ट्रायंगल। अब लास्ट पे कह रह गया हमें दिखाना है फिर वन ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के इक्वल होगी। देखिए बेटा हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, हम लिख सकते हैं यहां पे, अगर इफ वन एंगल, हम लिख सकते हैं इफ, क्या लिखेंगे हम, इफ वन, या हम यहां पे ऐसा लिखेंगे बेटा, इफ वन एंगल नहीं बेटा, इफ वन ट्रायंगल यहां पे लिखेंगे, इफ वन ट्रायंगल यहां पर लिखे, इफ वन ट्रायंगल इज सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल सिमिलर होगी तो अनदर ट्रायंगल, एंड दूसरा अगर एक ट्रायंगल, आप फिर से देखिए, अगर एक ट्रायंगल सिमिलर होगी तो दूसरी ट्रायंगल, जब जो हमने पहले प्रूव किया था वन ट्रायंगल इज सिमिलर टू द अनदर ट्रायंगल, एंड और क्या लिख सकते हैं, एंड सेकंड ट्रायंगल इज सिमिलर, एंड सेकंड ट्रायंगल इज सिमिलर टू द थर्ड ट्रायंगल, टू द थर्ड ट्रायंगल। जब एक ट्रायंगल सिमिलर होगी दूसरी वाली ट्रायंगल को, उसके बाद दूसरी वाली ट्रायंगल होगी तीसरी वाली ट्रायंगल के सिमिलर, तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फिर पहली वाली ट्रायंगल लास्ट वाली ट्रायंगल के सिमिलर होगी, तो इसका मतलब है देन वन इज इक्वल टू टू, तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल। यहां पे आप देखिए एडीबी ट्रायंगल जो है बेटा ये है सिमिलर टू एबीसी, दैट इज एडीबी सिमिलर है बड़ी वाली ट्रायंगल को, दूसरा है ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर टू एबीसी, दैट इज बीडीसी सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। तो अगर ये इसके सिमिलर है, ये इसका सिमिलर है, तो इसका मतलब है फिर यहां पे एडीबी ट्रायंगल सिमिलर होगी टू बीडीसी। हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। यहां पे आप बेटा लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, तो यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज जब आपका ए बी के बराबर होगा और आपका बी सी के बराबर होगा देन आपका ए किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। तो चलिए होप आपको ये थॉर्म जो है अच्छे से समझ आई होगी, आप इसको प्रैक्टिस करिए, जब तक के लिए, जब तक मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आ जाऊंगा तब तक आप अपने आमिर सर को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।